जाएगा, नॉर्मल तो जाएगा, मगर उसके यूरिन में से क्या करे, सोडियम पोटेशियम और वाटर को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करे। उससे क्या होगा कि वो सर ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा तो अंदर क्या होगा, क्या होगा, अंदर ब्लड का, अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो बीपी क्या, बीपी बढ़ेगी, है ना। हम और इसका यही उल्टा केस, जब ज्यादा हो जाती तो हम क्या करते थे कि हम उसको बोलते थे यूरिन करो, यूरिन करने से क्या उसके अंदर से अगर फ्लूड कम होगा तो बीपी गिरती थी, और इसमें क्या करेंगे हम, हमें फ्लूड को बढ़ाना है तो बीपी बढ़ेगी, तो हम कैसे बढ़ाएंगे, हम पेशेंट को क्या वाटर का, सोडियम का, पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन कराना स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं आपको पहले उल्टा सिखाता हूँ, पहले बेस, क्योंकि हम जनरली बीपी बढ़ी हुई पे हमारा दिमाग हमेशा जाता है, इसलिए मैं उसका उल्टा करना सिखा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट कम बीपी पे सिखाऊंगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको जो दोनों बार ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो हाई बीपी का बता के फिर उसका रिवर्सिबल करा देता हूँ। क्या सिखाया मैंने कि जब हाई बीपी होती है तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि भैया यूरिन जाओ, ज्यादा से ज्यादा यूरिन जाओगे तो क्या आपके बॉडी में से फ्लूड कम होगा, और फ्लूड कम होगा तो ब्लड कम होगा तो बॉडी आपकी ऑटोमेटिक क्या होगी, बीपी को रिड्यूस करेगी, हार्ट पर लोड कम पड़ेगा, और इसमें क्या करोगे आप बढ़ाओगे फ्लूड को, ठीक है। तो आप कौन से ड्रग देते हैं, ड्रग्स सच एज फ्लूरोकॉर्टिसोन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड मे प्रिवेंट पोस्चुरल हाइपोटेंशन। दूसरा डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये मैं आपको बहुत डीप में पूरा का पूरा समझा चुका हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर डला हुआ है पूरा 1 घंटे का। अच्छा आपको मैंने समझाया था कि डायबिटीज की वजह से अगर आपकी जो नर्व डैमेज होती है उसको कहते थे डायबिटिक न्यूरोपैथी। अगर अब डायबिटीज की वजह से नर्व तो डैमेज हो मगर वो नर्व ऑटोनॉमिक होनी चाहिए तो उसे कहोगे डायबिटिक ऑटोनॉमिक। नाम में क्या लिखा है कि ऑटोनॉमिक, यानी ऑटोनॉमस की जो नर्व है वो डैमेज होनी चाहिए, ऑटोनॉमिक डायबिटिक न्यूरोपैथी डायबिटीज की वजह से हो रही है, ठीक है। ये जनरली किन में देखने को मिलता है, जनरली देखता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कौन सी होती है, डायबिटीज टाइप 1। टाइप वन में वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहती है, क्यों, उन्हीं को तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, उनकी इंसुलिन कम हो गई होती है। टाइप टू में इंसुलिन तो कम होती नहीं है, टाइप टू में तो इंसुलिन क्या, इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। मैं आपको बोलूंगा एक बार मेरा डायबिटीज पर लेक्चर डाला है उसको जरूर अटेंड करना, उसमें बहुत अच्छा बेसिक बताया है कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इंसुलिन को लेके क्या क्या सब, तो वो जरूर देखना, ठीक है। टाइप 1, ये जनरली टाइप 1 वालों में ज्यादा मिलती है, मोस्ट कॉमन रहती है, बाकी ऐसा नहीं है, टाइप 2 वालों में मिलती है, लेकिन टाइप 2 वालों में जनरली उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जिनको एक लंबे समय से डायबिटीज है, भैया के 5-6 साल हो गए हैं, है ना, 5-6 साल से ज्यादा हो गए हैं और डायबिटीज का अच्छा खासा लेवल बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, कहीं ज्यादा कर लेते हैं फिर कम कर लेते हैं, यानी क्रॉनिसिटी हो गई है टाइप 2 की, तब ये फिर डायबिटीज टाइप 2 वालों में देखने को मिलता है, और टाइप 1 वालों में तो बिल्कुल ही जनरली देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्या 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 होता है ये, इसके आज जरा अच्छे से पढ़ेंगे। सेक्सुअली डिसफंक्शन होने लग जाता है पेशेंट, सेक्सुअली डिसफंक्शन में पहला होने लग जाता है इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू इरेक्ट या इरेक्शन और ऑर्गेजम मेल्स में, क्योंकि तो आपको पता है जनरली मेल्स में ही डायबिटीज मिलती है, ठीक है। मेल्स की तो ज्यादा ज्यादा हम जो कौन सी मेल्स की बात करेंगे, क्योंकि 90% डायबिटीज आप देख रहे हो मेल्स में ही मिलती है। और एक बार बहुत सारे ऐसे वो चैप्टर में जरूर जाना, मैं आपने आपको बहुत अच्छे समझा कि डायबिटी के मेन रीजंस क्या है, कि क्यों हो रही है, मेल में ज्यादा क्यों है। इंपोर्टेंस, इनएबिलिटी टू इरेक्शन और ऑर्गिज्म। एक यहाँ पर बहुत प्यारा वर्ड दिया, व्हाट इज रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन। इजैक्युलेशन का तो मतलब हम जानते हैं कि सीमन का बाहर निकलना ड्यूरिंग ऑर्गेजम। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या हो गया, रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है, ये आपकी आपकी नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है कि टेस्टिस से सीमन ड्यूरिंग ऑर्गेजम बाहर निकलता है, पेनिस पे क्या होता है, पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है, कौन सी डक्ट के थ्रू, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। लेकिन आप जानते हो, क्या जानते हो, कि यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट एक एक ही ओपनिंग से आते हैं, इसी एक ही ओपनिंग से आते हैं कि नहीं। इधर तो, इधर तो आपका क्या होता है, टेस्टिस से स्पर्म आता है और इधर आपका यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आती है, और दोनों एक ही ओपनिंग से मेल में बाहर आते हैं, सीमन और क्या आपका सीमन प्लस यूरिन। तो इसमें क्या हो जाता है, यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है कि टेस्टिस से जो सीमन आता है ड्यूरिंग ऑर्गिज्म वो यूरेथ्रा से पीनिस से बाहर इजैकुलेट ना होके इधर यूरिन ब्लैडर में चला जाता है। तो सोचिए कितनी खतरनाक सिचुएशन रहेगी कि आपके ब्लैडर में सीमन एक्यूमुलेट हो जाएगा ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ये होने लग जाता है। इसका नाम दिया जाता है क्या, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लैडर डिस्फंक्शन, ब्लैडर डिस्फंक्शन में यानी पूरा न्यूरोजेनिक ब्लैडर। जनरली क्या होता है कि आपकी जो डेट्यूसर मसल्स हैं
वो डिक्रीज यानी क्या डेट्रूसर मसल्स का काम वीक पड़ जाता है, और ऐसे लोगों में मालूम क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, रिलैक्स कंडीशन में चली जाती हैं। और आप सोचो रिलैक्स नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा कि ब्लैडर भरता चला जाएगा, भरता चला कॉन्ट्रैक्ट होंगी तभी तो यूरिन बाहर निकलेगी, अंदर बहुत ज्यादा यूरिन खट्टी होने लग जाती है, तो फिर ऐसे लोगों में क्या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, या फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यूरिन टपकती रहती है, प्लस थोड़ा भी खांसे कुछ हंसी मजाक करा तो क्यों इनकॉन्टिनेंस यूरिन बाहर निकल जाए, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हो जा रहा है लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर खत्म हो गई है ना, क्योंकि ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो चला गया तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, नॉक्टर्नल डायरिया, नॉक्टर्नल डायरिया होता है रात में इतना ज्यादा पेट खराब हो जाता है भैया कि मतलब नींद से उठ जाते हैं, ये भी क्यों होता है, क्योंकि आपके जो नर्व की नर्व है बॉबल ब्लैडर मूवमेंट बिगड़ चुके हैं नर्व के। जीआई डिस्फंक्शन यानी वॉमिटिंग फ्रॉम गैस्ट्रोपैरेसिस, इसका मतलब क्या होता है वॉमिटिंग फ्रॉम गैस्ट्रोपैरेसिस, इसका मतलब होता है गैस्ट्रोपैरेसिस मतलब प्रिवेंट फ्रॉम प्रॉपर एम्पिटिंग, पेशेंट क्या है पेशेंट का, इसलिए तो पेशेंट आपने वो डायबिटिक वाले के पेशेंट के देखना, वो उनको भूख नहीं लगती जनरली, और इसलिए उनको बोलते हैं कि भैया आप खाते रहो थोड़ी थोड़ी देर, फिर वो बोलते हैं कि भूख ही नहीं लगती क्या हो गया पता नहीं, इसलिए लगती क्योंकि वो क्या बोलते हैं भूख नहीं लगती लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि उल्टी सी आ रही है, तो उनको हमेशा ऐसा फील होता है उनका प्रॉपर डाइजेशन होता नहीं है, उनको हमेशा क्या लगता है कि फुलनेस उनका पेट भरा हुआ है और उन्हें वॉमिटिंग आ रही है, इस वजह से वो वीक होते चले जाते हैं। ठीक है, प्लस ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन दिखती है, प्लस दिस प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम बोथ सिंपेटेटिक और पैरासिंपेटेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, कौन से वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये जो आपको दिखती है ऑर्थोस्टेटिक कौन से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, अभी पढ़ा के आ चुका हूं टाइप वन पोस्ट क्या बोलते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, टाइप वन को क्या बोल रहे हैं, ठीक है ये टाइप वन आपका हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक, और टाइप टू कौन सा वाला था, ये जो मैंने आपको इधर रिवाइज कराया था अभी जस्ट एक सेकंड, अभी मैंने आपको बताया था, ये बताया था डी जनरेशन बटिंग, टाइप वन था पोस्ट गैंग्लियोनिक और टाइप टू था प्री वाला, प्री में ही आपने मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी पूरा समझा था, और टाइप वन में मैंने क्या समझा था पोस्ट, और इसमें हम क्या नहीं देते नॉन एडेनिल, तो वही बात कर रहे हैं कि जो इसमें जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है ना वो टाइप वन वाला मिलता है यानी पोस्ट वाला मिलता है, तो ऐसे पेशेंट को नॉन एडेनिल ड्रग नहीं दिए जाते। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि डायबिटिक वाले पेशेंट्स में अभी एक मैं एक बात बहुत कॉन्ट्राइंडिकेट करने वाली बोलूंगा अभी आप सब लोग, क्योंकि देखो हम हमेशा से पढ़ता है कि डायबिटिक वाले पेशेंट में बीपी बढ़ी हुई रहती है, रहती है कि नहीं रहती, क्यों बढ़ी रहती है, क्योंकि हमने बोला एक बॉडी की एक तरीके से कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रही होती है कि बीपी में ग्लूकोज ज्यादा होने की, डायबिटीज में ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से ब्लड थिक हो जाता है, तो बॉडी क्या प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाता, हार्ट ऑर्गन्स पर प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म चला के अपनी बीपी को तेज कर लेता है जिस वजह से प्रॉपर सबको ब्लड मिल पाए। तो अभी आप तो सर ट्रीटमेंट में ये बोल रहे हो कि डायबिटिक को कंट्रोल करो प्लस बीपी को कम करने के लिए कौन सी फ्लूडोकॉर्टिसोन, ये सब क्या होता है फ्लूडोकॉर्टिसोन टेलमिसर्टेन फ्लूरोसेमाइड, ये सब क्या बीपी कंट्रोल करने के लिए ड्रग दो, और अभी तो आप ऊपर बोल के आए थे कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो रही है बीपी गिर रही है, हमेशा याद रखो मैं फिर बता रहा हूँ कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी की बीपी कम हो रही है, तो फिर बॉडी की बीपी तो कम होती है लेकिन वो सडन होती है और कुछ ही देर के लिए होती है, जैसी पेशेंट की ऑल टाइम बीपी कम नहीं रहती, जैसे वो एकदम तुरंत खड़ा होएगा ना, खड़ा हुआ चलने लगा तुरंत बीपी गिरेगी और कुछ देर के लिए और फिर बैक टू नॉर्मल, ठीक है ऑल टाइम नहीं होती वो, सिर्फ उस सिचुएशन के लिए होती है बाकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और डायबिटीज तो उन लोगों में हाई बीपी रहती है ऐसी, तो यही तो बहुत बड़ा बीपी में सबसे बड़ा बीपी का फ्लक्चुएशन बॉडी में सबसे खतरनाक होता है, याद रखना बीपी और डायबिटीज का ग्लूकोज का कम ज्यादा होना और उससे भी ज्यादा बीपी का बॉडी में अगर एक फ्लक्चुएशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, बॉडी में अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली बढ़ी हुई है तो वो आपको इतनी तकलीफ कभी नहीं देगी, बॉडी में कंटिन्यूअसली कोई चीज कम है तो वो आपको तकलीफ कभी नहीं देगी, तकलीफ जब देती है जब वो कंटिन्यूअस स्टेज में कम ज्यादा हुए जा रही, क्यों अगर ज्यादा है तो बॉडी कंपनसेट कर लेगी, बॉडी को बॉडी में बहुत प्यारी मैकेनिज्म है खुद को अपने उस चीज के प्रति ढालने की, अपने आप को खुद को अडेप्ट करने के लिए, तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है कम के लिए ज्यादा के लिए, मगर आप बार बार उसे परेशान करोगे कि बार बार कम कर ली डायबिटीज बार बार, उन लोगों को में दिक्कत होती है, बाकी जिन लोगों में आपने खुद देखा होगा मैंने 300 बीपी वाले पेशेंट देखे जो बिल्कुल नॉर्मल रहते कोई दिक्कत नहीं है, 300 वाले आप कहोगे इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ 300 वाले पेशेंट को मैंने नॉर्मल देखा है, एक पेशेंट तो मैंने अपनी आंखों देखी 200 बीपी तो हमेशा बनी रहती है हमेशा, नहीं होती इतनी दिक्कत, हाँ ये बात सही है ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होगी, होगी लेकिन रेगुलेटरी फेज में नहीं होती, क्यों नहीं होती
क्योंकि भैया बॉडी ने अडप्ट कर लिया है खुद को, एक लंबे समय से बीपी भरी हुई है, अगर वो बीपी बार बार कम ज्यादा करोगे तो फिर दिक्कत है। तो दवाइयां लेके धीरे धीरे से कम करो, और कम है तो फिर कम ही रखो, फिर बार बार बढ़ने मत दो। गुलियन बेयर सिंड्रोम में आपको पूरा एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर चुका हूं। क्या मैंने गुलियन बेयर में आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि आपका न्यूरॉन है, ये आपका न्यूरॉन क्या रहता था, गुलियन बेयर, गुलियन बेयर इज अ ऑटोनॉमिक सिस्टम, क्या है, ऑटो इम्यून, ऑटोनॉमिक बोल रहा हूं, ऑटो इम्यून, आपके आपके क्या किस्में करता है, आपकी इम्यूनिटी ही आप ही के बॉडी के न्यूरॉन की माइलिन सीट को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। ये हम जानते हैं माइलिन सीट है, इसका काम हमें पता है, क्या काम है, फ्रेमवर्क को मेंटेन करना, ट्रांसपोर्ट करना, है ना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करना, प्लस क्या प्रोटेक्शन करना। तो ये विद इन न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। अब ये माइलिन सीट डैमेज हो जाती है, हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज ही इसको एंटीजन समझ कर डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, ऑटोइम्यून है। और सेम ऐसा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी होता था, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्यों नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस सीएनएस को बिगाड़ता है, और हम बात कर रहे हैं अभी ऑटोनॉमिक की, तो गुलियन बेयर पीएनएस को बिगाड़ता है, इसलिए उसके अंदर एएनएस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम बात करेंगे गुलियन बेयर की। तो गुलियन बेयर में आपको पूरा बता चुका हूँ, माइलिन सीट जाके पूरा लेक्चर देख लेना, अपलोड है सब कुछ है, ठीक है। अब गुलियन बेयर सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इन कोमन द लीजन में, क्या आपके आपको पता है आपके एफरेंट और इफरेंट लिम्स, मैंने आपको कहा था आपके लिम्स पर आपके ऑर्गन सब इन्वॉल्वमेंट में हो जाते हैं। और गुलियन बेयर में ऑटोनॉमिक में मालूम सबसे ज्यादा क्या बिगड़ता है, क्योंकि हम अभी ऑटोनॉमिक की बात कर रहे हैं यहाँ, तो सबसे ज्यादा बिगड़ता है आपका कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। ये दो नंबर में पूछते हैं, व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और व्हाट इज बैरो रिसेप्टर, या बैरो रिसेप्टर के नाम से भी आ सकता है या कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, अब नाम से तोड़ो, कार्डियो मीन्स हार्ट, वेसल्स यानी कुछ हार्ट की वेसल्स का रिफ्लेक्स है। वेसल्स में क्या बहता है भैया, ब्लड, ब्लड में क्या चीजें बिगड़ती हैं, बीपी, तो ये बीपी का रिफ्लेक्स होता है। आपके बॉडी में आपके हार्ट की, हार्ट को पता होता है कि कब बीपी कम ज्यादा क्यों होता है बॉडी में, जब हार्ट को लगता है कि उस पर प्रॉपर ब्लड पंप नहीं हो पा रहा, तो वो बीपी को बढ़ा देता है, उसको लगता है कि भैया ब्लड ज्यादा है, ब्लड बीपी, तो वो बीपी को गिरा देता है, कि हार्ट पर लोड बढ़ रहा है, ब्लड का प्रेशर बहुत है, तो वो बीपी कम कर देता है, ये बॉडी का रिफ्लेक्स होता है। यही रिफ्लेक्स बिगड़ जाता है गुलियन बेयर में जाके, ये रिफ्लेक्स बिगड़ जाता है, ये ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन ही होता है, और जरूरी है गुलियन बेयर, ये बहुत सारे ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन में भी बिगड़ जाता है। मालूम क्या होता है, ऐसे पेशेंट में एबनॉर्मल बीपी का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, एबनॉर्मली बहुत ज्यादा और खतरनाक एकदम, क्यों, तुरंत बढ़ जाती है, तुरंत कम हो जाती है, एपिसोड्स आते हैं हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन के, बीपी कम ज्यादा होने लग जाती है एबनॉर्मली, क्योंकि ये बैरोसेप्टर तो बॉडी की मैकेनिज्म है, इसको आप तो कंट्रोल कर नहीं रहे, और तब से हम वही पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन का, क्या जो प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं कर रहे वो बिगड़ने लग गई। तो बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, कि आपकी बीपी का कम ज्यादा रिफ्लेक्स, मतलब क्या, अगर रिफ्लेक्स तो बोलेगा तो एक नॉर्मल प्रोसेस है आपकी बीपी को रेगुलेट करना हार्ट का, और ये रिफ्लेक्स बिगड़ गया तो नॉर्मल बीपी कम ज्यादा होने लग जाती है पेशेंट्स में, रिजल्टिंग इन पोस्टुरल हाइपोटेंशन, यही मैंने बात करी थी, हाइपोटेंशन था ये कि सडन बीपी गिर जाती थी, या क्या कहो एपिसोड्स ऑफ हाइपरटेंशन, सडन बीपी बहुत तेज बढ़ गई, और कार्डियक डिसरिथमिया तो होना ही है जब हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक डिसरिथमिया का मतलब होता है हार्ट बीट का डिस्टर्ब हो जाना, तो आपकी हार्ट रेट, हार्ट बीट भी, हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, तो बीपी कम ज्यादा हो रही, बीपी बढ़ेगी तो हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से बॉडी बार बार हार्ट अपना फ्लक्चुएट करेगा, है ना, आपके ब्लड को लेके। तो ये गुलियन बेयर में होता है। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी सेंसरी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, ये याद रखना, ये चैप्टर जनरली पूरे में नहीं बनता, ये जनरली चैप्टर मतलब किसमें बन जाता है, दो दो मार्क्स में, 60 डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, या तो कब 8 मार्क्स में पूरा आ गया तब 7 तो लिख के आनी पड़ेंगी, और नहीं आ रहा है तो दो दो मार्क्स में इसके क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी सेंसरी, एक एक टाइप का कोई पूछ लेते हैं। तो हेरिडिटी सेंसरी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी नाम से ही समझ आ रहा है, उसको HSCN बोलते हैं सन, HSCN क्या है, हेरिडिटी मतलब क्या, ये जेनेटिक है, ये जो डिसीज है ये जेनेटिक है, और जेनेटिक वाली मतलब ये बच्चों में बहुत कॉमन दिखती है, ये वाली बच्चों में बहुत जल्दी, देखो जेनेटिक का मतलब होता है कि बच्चों में जल्दी दिखने लग जाती है, ऐसा नहीं कि बड़ों में दिखे लेकिन बच्चों से, बच्चों में ही जल्दी दिखे, तो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन और इन्फेंट। अब हेरिडिटी है तो जेनेटिक है, सेंसरी, अब यहां पर एक बात समझ लो कि ये मोटर फंक्शंस को डिस्टर्ब नहीं करेगी, यानी आपके आपके स्किन के सेंसेशंस, टच, फील, पेन, ये सब डिस्टर्ब होंगे यहाँ पर, ठीक है, और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी तो है ही है, तभी तो आप इसको पढ़ रहे हो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के अंदर, है ना, यानी क्या कि आपकी हेरिडिटी है प्लस आपके ऑटोनॉमिक न्यूरो, आपके नर्व को डैमेज करके आपके सेंसरी सिस्टम्स को बिगाड़ रही है,
हम पढ़ के आ चुके हैं ना अभी उसमें, कि आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक के दो फंक्शन होते हैं, मोटर और सेंसरी। हमने बात भी करी थी न्यूरोजेनिक ब्लैडर के मोटर क्या थे। अगर हमने ब्लैडर को एग्जांपल मान लिया था तो क्या थे मोटर, कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराना, और सेंसरी क्या थे, जो आपके रिसेप्टर्स होते थे। अगर यूरिन भर गई है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, तभी तो आपको अर्ज फील होती थी और आप यूरिन जाते हो। वो अर्ज फील कैसे होती है, वो सेंसरी से ही तो होती है। तो दोनों होते हैं तो इसमें क्या आपके सेंसरी बिगड़ जाएंगे। क्या क्या तकलीफें होंगी, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, ये ध्यान रखना है, जनरली चिल्ड्रन और इन्फेंट में मिलता है, डेट कॉज बाय स्प्रेड नर्व डिसफंक्शन। क्या कैरेक्टर मिलते हैं, इनएबिलिटी टू पेशेंट फील पेन, नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर चेंजेस और जो टच स्टिमुलाई सेंसेशन है वो पेशेंट फील नहीं कर पाएगा। इसमें सेंसरी जाते हैं। और क्या एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, यानी क्या स्वेटिंग का अब्सेंस मिलता है पेशेंट में, क्या स्वेटिंग नहीं मिलती। एक जस्ट अ सेकेंड, हाँ स्वेटिंग अब्सेंट मिलती है। स्वेटिंग एब्सेंट का मतलब क्या क्या बोलते हैं वर्ड को, एडिरोसिस, एहिड्रोसिस, ए याद रखो, HIDROSIS, ये 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। व्हाट इज एहिड्रोसिस, एहिड्रोसिस का मतलब होता है अब्सेंट, ए लग गया तो अब्सेंट। अगर मैं यहां लगा दूं हाइपो तो स्वेटिंग तो होगी मगर कम हो जाएगी, मैं लगा दूं हाइपर तो ज्यादा स्वेटिंग होगी, ठीक है। हाइड्रोसिस का मतलब होता है स्वेटिंग होना, और ये लगा दो तो अब्सेंट हो गई, ठीक है। स्वेटिंग अब्सेंट में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन तो आपको एपिजर सब में ही दिख रही है, तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और अनएक्सप्लेन्ड फीवर फ्रॉम बर्थ। बच्चों, मैंने कहा था बच्चों में बहुत कॉमन दिखती है, तो बच्चों में स्टार्टिंग में अनएक्सप्लेन्ड फीवर आ रहा है। फीवर का मतलब क्या मतलब, यहाँ फीवर का कि एबनॉर्मल टेम्परेचर रेज है, और हम बात कर चुके आ चुके कि ऑटोनॉमिक फंक्शन में आपका टेम्परेचर होता है कि नहीं, तो आपका टेम्परेचर एबनॉर्मली एलिवेट है, कोई रीजन नहीं है फिर भी, इसलिए आप उसे बोल रहे हो कि फीवर है। वरना आप क्या बोल सकते हो कि अनएक्सप्लेन्ड हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या होता है, फीवर आना। फीवर आप कब बोलते हो खुद को, आया कि आपका टेम्परेचर हाई हो, सही तो बोलते हो कि फीवर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा होम्स एडी सिंड्रोम, नाम होम्स एडी सिंड्रोम, ये भी अगेन 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको सावरे। होम्स एडी सिंड्रोम कुछ नहीं होता, ये भी एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये आपकी आंखों को अफेक्ट करता है। इसको अफेक्ट करता है आंखों को, याद रखना आइस, होम्स एडी आपकी आंखों को, ये डिसीज आपकी आंखों को अफेक्ट करती है। इट इज अ रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वेयर आपकी जो प्यूपिल है, PUPI, प्यूपिल है आंखों की, ये मालूम कैसी हो जाती है, ये यूजुअल से ज्यादा लार्ज हो जाती है, डायलेट कर। इसमें मालूम क्या होता है, आपकी आंखों की जो मसल्स है ना वो सब एकदम, उनकी टोन क्या मालूम क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो वो सब रिलैक्स हो जाती है, आपकी टोन गिर जाती है, आंखों के आसपास की जितनी मसल्स है वो सबकी जनरली टोन गिर जाती है। और मसल्स क्या मालूम कैसी हो जाती है, आप टोन गिर गई तो आप बहुत होशियार हो, क्या होगा, सब रिलैक्स हो गई। रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, तो आपकी प्यूपिल प्यूपिल भी क्या डायलेट कर जाती है। मोस्टली अफेक्ट दी नर्व कंट्रोलिंग दी मसल ऑफ द आई, मैंने बोला। और सारी क्या प्रॉब्लम होगी, विजन प्रॉब्लम, कैसी विजन प्रॉब्लम होगी, प्यूपिल डायलेट कर गई तो आप प्रॉपर देख नहीं पाओगे, मसल की टोन गिर जाती है, यानी क्या आपको जो इधर उधर करके अपनी आंखों को, ऑक्युलोमोटर नर्व है, ऑक्युलोमोटर नर्व डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपकी जो मसल से आइस की, तो आप इधर उधर जो देख पाते हो ऊपर नीचे करके, ये सब गेज इधर उधर लेफ्ट राइट को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, मूवमेंट कैसे करोगे, मसल वीक पड़ गई, मसल डायलेट कर जाती है, बीक मत बोलो, डायलेट कर जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपकी प्यूपिल की टोन है, टोनिक प्यूपिल एसोसिएटेड विद इररिफ्लेक्सिया, आपकी टोन गिर जाती है, इररिफ्लेक्सिया। अब मुझे आप एक दिमाग बता के बताओ, देखो आपके आंखों में रिफ्लेक्स क्या होता है, मैं आपके तुरंत कुछ करूँ, आप एकदम आंख ब्लिंक करते हो, आपने कभी फील करा है कि आप कहीं भी जा रहे हो, सडन कुछ कीड़ा वीड़ा ऐसा कुछ है, या फिर कोई भी आके आंख में पड़ता है, तुरंत ब्लिंक कर लेते हो, आप खुद ब्लिंक कर लेते हो, लेकिन चाहकर भी कितनी बार होता है कि आपकी आंखें ऑटोमेटिक ब्लिंक करती हैं, यानी आपकी जो ब्लिंक की प्रोसेस है ये इनवॉलेंट्री भी है और वॉलेंट्री भी, आप खुद भी कर लेते हो प्लस ये इनवॉलेंट्री भी होती है, इसलिए ऑटोनॉमिक फंक्शन में भी आती है, ठीक है। आपकी जैसे ब्रीथिंग की तरह ब्रीथिंग आप भी कर लेते हो और होती भी है। अब ये एक तरीके से क्या है, रिफ्लेक्स ही तो है आपका ब्लिंक करना आंखों का, या आपकी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होती है, पता है होम्योस्टेटिक आपकी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, वरना आपकी आंख तो कब की चली जाए, कितनी बार कितनी खतरनाक जोर से लगती है और आप ब्लिंक करके अपनी आंख को बचा लेते हो, और कितना सडन रिस्पॉन्स होता है बॉडी की, मैकेनिज्म सोच के देखो एक बार, कितना सडन रिस्पॉन्स होता है, बॉडी तुरंत खुद की आंखों को बचा लेती है। तो ऐसे लोगों में फिर ये रिफ्लेक्सिया हो जाता है, वो रिफ्लेक्स नहीं कर पाते, आंखों की पलक नहीं झपका पाते, जो मसल अब क्यों नहीं जप पाएंगे, आप होशियार हो, मसल डायलेट कर गई, अब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी नहीं तो पलक झपकाओगे कैसे, न पलक नहीं झपका पाते, यानी
पलक झपकाने का मतलब क्या, आंख में ब्लिंक नहीं कर पाते, आई ब्लिंकिंग नहीं हो पाती, ए रिफ्लेक्सिया हो जाता है ना। और सेगमेंटल हाइपोहिड्रोसिस का मतलब होता है कि स्वेटिंग जनरली कम हो जाती है। देखो अब्सेंट से अब्सेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए हिड्रोसिस, इसमें हाइपो हो जाती है, जनरली कम हो जाती है, अब्सेंट नहीं। अब्सेंट में तो ऊपर लिख के पढ़ के आ चुकी थी, किसमें, एड्रोसिस, हेरिडिटी, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में पढ़ के आए भी, जस्ट ऊपर ये देखो अब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, तो मैंने पढ़ा था एड्रोसिस, इसमें अब्सेंट नहीं होती, इसमें हाइपो होती है, अब्सेंट मत लिखना है, ठीक है। जनरली इसमें कम हो जाती है, पूरी अब्सेंट नहीं होती, अब्सेंट होना कम होना में। सेगमेंटल का मतलब होता है कि जनरली आपके सेगमेंट में बॉडी के कुछ फोकल लोकलाइज्ड पॉइंट पे, और मालूम कहाँ मिलती है, जनरली आपके फेस के एरिया पर, फेस पे भी आपके जो क्या बोले मैं, आपका फ्रंटल एरिया है फेस का, है ना, आपका हेड है, जो आपका ये पूरा हिंदी में माथा बोलते हैं, जो आपका हेड है, आई के ऊपर का जितना भी एरिया, वहां पर ना स्वेटिंग बहुत कम होती है, बहुत कम स्वेटिंग देखने को मिलती है, ठीक है, उस जगह पर जनरली होम सेटी सिंड्रोम में। सेगमेंटल का मतलब होता है लोकलाइज्ड होना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होम सिटी में जनरली वैसे तो पूरे फेस पे कम हो जाती है, लेकिन मोस्ट कॉमन कम हो जाती है आपके जो फॉरहेड है, फॉरहेड पे, ठीक है, फॉरहेड पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। और डायरिया तो सब में हम पड़ ही आ रहे थे। अगला है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। क्या है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, नाम में ही समझ आ रहा है, हमारे जो हमारे जितने रिफ्लेक्स है वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो हो ही रहा है, तो ये दो दो मार्क्स में सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज अ कंडीशन इन विच ऑल इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम ओवर, अब इसमें बहुत देखो इस चीज को याद रखना भैया, ये बहुत खतरनाक अच्छी, अब ये सबसे थोड़ी अलग है, क्यों अलग है, मैंने कहा था ना कि जनरली आपकी बॉडी की चीजें डिप्रेस होती हैं, लेकिन एक ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है जिसके अंदर 90% ऐसा देखा जाता है कि चीजें बढ़ जाती हैं, 90% कुछ इसके अंदर ऐसे सिम्टम भी मिलेंगे जहां चीजें कम हो जाती है, लेकिन 90% आपको ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे जहां चीजें ओवर से ज्यादा हो जाती है। अभी तक आपने देखा तो क्या हो रहा था भैया, स्वेटिंग कम हो रही थी, सारी चीजें क्या हो रहा था, सब चीजें कम हो रही थी, है ना, रिफ्लेक्स नहीं आ रहे थे, सब बीपी कम, बहुत सारी चीजें सी कम, इसमें चीजें देखो, और आपने देखा था सेक्चुअली में क्या हो रहा था, इम्पोर्टेंस हो रहा था, है ना, सारी चीजें कम हो रही थी, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, इरेक्ट नहीं होना, इरेक्शन नहीं होना, तो अब इसमें उल्टा होगा, क्या होगा, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सिया कंडीशन इन विच ऑलवेंट्री नर्वस सिस्टम ओवर रिएक्ट टू एक्सटर्नल और बॉडीली स्टिमुलाई, इसमें मालूम क्या होता है, अच्छा एक बात बताओ, आप ऐसे कहीं जा रहे हो और आपको एकदम तुरंत हू कर दे, ऐसा भूत करके हाउ करके डरा देता है ना, कभी देखा है, या फिर सडन कोई एक्सीडेंट, या फिर नॉर्मल कोई ऐसी प्रोसेस होता है कि आपके साथ नहीं हुई लेकिन आपके आसपास हो जाए, एकदम आप भयंकर देख के डर जाते हो और आपकी बीपी सडन रेस कर जाती है, कभी देखा है, लेकिन बीपी आपकी एकदम बीपी बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है एकदम तुरंत, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट पर सारी चीजें बढ़ जाती है नॉर्मली आपके वाइटल, जब भी आप डरते हो, इन लोगों में क्या होता है मालूम है, हमारी तो नॉर्मली थोड़ी बढ़ती है, इनमें तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना भयंकर लेवल पे, आपने तो कुछ नया कुछ उनको कुछ स्टिमुलाई करा, पीछे से आकर थोड़ा ही टच कर लिया, उनकी इतनी बीपी ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी कोई हद नहीं है, तो दिस कॉज अ डेंजरस स्पाइक, देखो बीपी बढ़ना नहीं, डेंजरस बीपी बढ़ना जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, डेंजरस स्पाइक इन बीपी, क्यों क्यों बढ़ती है बीपी, आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और यही नॉर्मल होता है, आपकी बीपी हार्ट रेट सब क्यों बढ़ती है, जब भी आप डरते हो तब कभी आपने फील करा है, हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है, हम जब भी डरते हैं ना हम अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारा मन ये करता है कि हम कहीं घुस जाएं, किसी चीज में छिप जाएं, तो हम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी भी देखना आपसे कोई चिल्लाए आपके ऊपर, या आपको डांटे, या आपको मारने की कोशिश करे, या कुछ भी हो, तो आप क्या कोशिश करोगे, अपने आप को एकदम सिकुड़ने की, एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे कि मैं कहीं घुस जाऊं, तो ये हमारी बॉडी की मैकेनिज्म होती है, और जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तब आप ये कोशिश करते हो मैं कहीं घुस जाऊं, आप ये सोचते हो मैं फैल हूं, रिलैक्स का मतलब क्या होता है, अरे मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, रिलैक्स का मतलब होता क्या है कि मसल रिलैक्स है आपकी, आपको अपना हाथ वाते से आपका मन क्या करता है कि भैया जब आपको रिलैक्स फील होता है क्या लगता है कि हाथों को फैला के बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आने दो, गाने सुनो, तो वहां रिलैक्स का मतलब होता है कि आपकी मसल्स रिलैक्स कर रही है, और जब डरते हो तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी फीवर हो, बुखार हो, कोई टू जेड, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा आप अपनी बॉडी को सिकुड़ने की यानी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, और जब भी आपको बहुत अच्छा लगता है आप अपने आप को रिलैक्स करने की, यानी मसल्स के रिलेटेड में रिलैक्स बोला गया है, ना कि आपको रिलैक्स बोला गया है, आपकी मसल्स रिलैक्स, ये आपकी बॉडी की पता नॉर्मल जेनेटिक प्रोसेस है, ये बहुत सदियों से चलती आ रही है, इसलिए आपके अंदर ये जीनों में पहचान है, जेनेटिक प्रोसेस, जेनेटिक की पहचान है ये, के अंदर ऐसा सदियों से चलते आ रहा था जो आपके अंदर अब देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि हमारी तो नॉर्मल बीपी बढ़ती है,
इन लोगों में नेक में बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाती है, ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट कम। इसलिए मैंने कहा था 90% चीजें बढ़ती हैं, थोड़ी बहुत कम। स्वेटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ये चीजों कितनी अजीब है। फ्लेक्स पिनाइल इरेक्शन बाकी, और इसको बोलते हैं प्रिपिज्म, PRIAPISM, बाकी सब में जो इंपोर्टेंस का जस्ट उल्टा है। इंपोर्टेंस का मतलब होता है कि मेल में क्या होता है कि इरेक्ट नहीं होता, और रिफ्लेक्स पिनाइल इरेक्शन का कि एबनॉर्मली इरेक्ट इरेक्ट है। बहुत समझ, प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन ऑफ द पीनिस विदाउट सेक्सुअल अराउजल, कोई सेक्सुअल अराउजल नहीं है फिर भी एक प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन हो रखा है पीनिस में लंबे समय से, ठीक है, यानी इंपोर्टेंस का उल्टा हो गया। तो मैंने कहा था इसमें चीजें बढ़ रही हैं। ऑल्सो बीपी राइजिंग, थोड़ा बहुत टच वच करने पे या कोई पैसे मूवमेंट करने पे एबनॉर्मल बीपी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें एक अच्छा फायदा है कि जैसे ही आपने कुछ डराया या कुछ करा बीपी हुई, लेकिन फिर कुछ समय बाद नॉर्मल आपके ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, फिर सारी चीजें वापस आपकी नॉर्मल आ जाती हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस आर रिटेन्ड। लास्ट वन मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, ये मैं सब अभी तो आपको बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा के आया था, किसके अंदर पढ़ाया था, यहां पे समझाया था कि टाइप वन में तो पुष्ट था, टाइप टू में प्री, और प्री में मैंने कहा था कि मल्टीपल सिस्टम में एट्रोफी भी हो जाती है। आवाज बहुत ज्यादा, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, प्लीज चैट में लिख दो, चैट में प्लीज लिख दीजिए। प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज आप अपना डाउट चैट में लिख दीजिए, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ के आए थे कि टाइप टू में प्री गैंग्लियोनिक वाले में मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी हो रहा था, तो वही मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी हमें यहाँ लास्ट वाले पॉइंट में देखना है। मल्टीपल सिस्टम भी पूरा बता चुका था कि बहुत सारे एक साथ सिस्टम आपके खराब हो रहे थे, सेम ऐसी। और मैं आपको पार्किंसन पूरा पढ़ा चुका हूँ, पार्किंसन में भी यही तो होता था, डोपामिन की कमी की वजह से बहुत सारे आपके जो बॉडी के सिस्टम है वो बिगड़ जाते थे। पूरा चैप्टर यूट्यूब पे डाला है, देख लेना। क्या चार मेन होते थे आपके, कौन कौन से होते थे, चार गोल्डन पॉइंट क्या है पार्किंसन के, चार हमारे गोल्डन पॉइंट है क्या। पहला रेस्टिंग ट्रिमर, ट्रिमर्स तो आते हैं मगर रेस्टिंग ट्रिमर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, वो रिजिडिटी, पेशेंट रिजिड हो जाता है। तीसरा पोस्चरल इनसफिशियंसी, पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट का पोस्चर इनसफिशियंट होता है। चौथा ब्रैडीकाइनेसिया, सारे मूवमेंट क्या स्लो हो जाते हैं। ये चार गोल्डन पॉइंट पढ़ के आए थे पार्किंसन के, चार गोल्डन पॉइंट होते हैं पार्किंसन के, और यही सब मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में भी देखने को मिलता है। रिजिड मसल यानी रिजिडिटी, ट्रिमर यानी ट्रिमर्स आते हैं, और पार्किंसन में रेस्टिंग ट्रिमर आते हैं। ब्रैडीकाइनेसिया है ना, सारे मूवमेंट स्लो होना। प्रॉब्लम विद पोस्चर एंड बैलेंस यानी पोस्चरल इनसफिशियंसी होना, ठीक है। ये कब अगर मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी हो जाए पार्किंसन की वजह से, या फिर सेरिबेलर बिगड़ जाए, तो आप लोग होशियार हो। सेरिबेलर यानी हमारा लिटिल ब्रेन, अगर उसके सारे फंक्शंस पता है वो बिगड़ गया तो क्या होगा, आपके बॉडी के सारे मूवमेंट कंट्रोल सब बिगड़ जाएंगे। तो डिस्फेजिया दिखेगा यानी डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन होगा, अटैक्सिया लिख देना, लॉस ऑफ बैलेंस गेट सब कुछ लिख देना, डिसआर्थ्रिया मतलब स्लर्ड स्पीच हो जाती है, स्पीच बिगड़ती है, विजुअल, ये सारी चीजें आपको देखने को, सारी ये चीजें आपकी देखने को बिगड़ती है। स्वेटिंग रिड्यूस हो जाएगी, इनकॉन्टिनेंस आप जानते ही हो है ना, यूरिन निकल जाना, ये सब देखने को मिलता है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में। That's all about for autonomic dysfunction or today's lecture.